ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव का 30वें चरण का मतदान है, वहीं एमपी में 30वें चरण की 9 सीटों पर आज मतदान जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे तक 44.67% मतदान हो चुका है। दोपहर 1 बजे तक का ये आंकड़ा सामने आया है। बैतूल में 48.26%, वहीं भिंड में 37.37% मतदान हो चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल में 40.41%, गुना में 49.93% मतदान दोपहर 1 बजे तक हुआ है। ग्वालियर की बात करें तो 41.18%, मुरैना में 39.24% वोटिंग हो चुकी है। राजगढ़ में 52.60% मतदान हुआ है, वहीं सागर में 44.32% वोटिंग हो चुकी है। विदिशा में दोपहर 1 बजे तक 44.32% मतदान हो चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज लोकसभा चुनाव के लिए 30वें चरण का मतदान हो रहा है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आज 9 सीटों पर लगातार सुबह से मतदान जारी है और दोपहर 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 44.67% मतदान हो चुका है। बैतूल में 48.26% मतदान, भिंड में 37.37% मतदान हुआ है। साथ ही बता दें कि भोपाल में दोपहर 1 बजे तक 40.41% मतदान हुआ है, गुना में 49.93% मतदान हो चुका है। ग्वालियर में दोपहर 1 बजे तक 41.18%, मुरैना में 39.24% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हो चुकी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सागर में 44.32% वोटिंग हुई है, वहीं विदिशा की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 44.32% मतदान हो चुका है। ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 30वें चरण का मतदान बड़े ही उत्साह के साथ आज हो रहा है। एमपी में 30वें चरण में 9 सीटों पर लगातार मतदान सुबह से जारी है।